हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसे पांच ट्रिक्स जिससे कि आप आपके मोबाइल फोटोग्राफी को दूसरे लेवल में लेके जा सकते हैं। यहाँ पर सिंपल पांच टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आप अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप फ़ोटो लेते वक्त, तो आपको आपका जो फ़ोटो आता है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला जो टिप मैं बताने वाला हूँ, जब भी आप फ़ोन से दूर के कोई इमेज क्लिक करते हैं तो कभी भी ऐसा जूम मत कीजिए, जूम करके फ़ोटो कभी मत लीजिए, क्योंकि हमारे फ़ोन में ऑप्टिकल जूम नहीं होता है, डिजिटल जूम होता है। उसमें क्या होता है कि जब भी हम ऐसा जूम करके फ़ोटो लेते हैं तो उसमें ज़्यादा ग्रेन्स बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हम जब भी एक फ़ोटो लेते हैं एक नॉर्मल मोड में फ़ोटो लीजिए। फ़ोटो लेने के बाद हमें यहाँ पर जाके क्रॉप कर सकते हैं, एडिट यहाँ पर जाके क्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्रॉप करने से फ़ोटो का क्वालिटी भी कुछ नहीं होगा, ग्रेन भी ज़्यादा नहीं आएगा, जैसे कि देख सकते हो आप। तो जब भी आप फ़ोटो ले रहे हो नॉर्मल मोड में लेके क्रॉप कीजिए पिक्चर को, कभी भी जूम करके मत लीजिए। तो जब भी आप फ़ोटो लेते हैं तो कभी भी फ्लैश यूज़ मत कीजिए। फ्लैश यूज़ करने से क्या होता है कि आपका वाइट फ़ोटो का वाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसमें फ़ोटो थोड़ा आर्टिफिशियल दिखने लगता है। तो कभी भी फ्लैश यूज़ मत कीजिए। तो डार्क सिनेरियोज़ में आप जिस बैकग्राउंड में कितना लाइट आ रहा है वो प्रोफेशनल मोड में जाके आप फ़ोटो क्लिक कीजिए, तो कभी फ्लैश यूज़ मत कीजिए फ़ोन का। अगर आपके फ़ोन में प्रोफेशनल मोड नहीं है या मैनुअल मोड नहीं है तो आप प्ले स्टोर से ओपन कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ओपन कैमरा है, ये ओपन कैमरा में बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत सारा चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं, मैक्रो मोड का ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पर मैक्रो मोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर इस तरह आपको ग्रिड, वाइट बैलेंस, सीन मोड, कलर इफेक्ट, वो सब दिखेगा आपको, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस तरह आप एक अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं ओपन कैमरा यूज़ करके। तो अगर आपके फ़ोन में अच्छा कैमरा नहीं है तो आप ओपन कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई फ़ोटो लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में जाके तरह तरह के फ़िल्टर लगाते हैं, उसमें से क्या होता है कि सबका फ़ोटो एक जैसे ही दिखना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, मैं बताता हूँ, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं एडोब का लाइटरूम मैंने इंस्टॉल किया है प्ले स्टोर से, वो इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर लाइट, कलर, सब ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके अनुसार यहाँ पर एक्सपोजर को आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट आपको कितना चाहिए उतना सब आप लगा सकते हैं। तो और यहाँ पर वाइट्स, ब्लैक्स, उसके बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दबा के टेम्परेचर थोड़ा कम कर देता हूँ और टिंट थोड़ा ज़्यादा। ये जल्दी से दिखा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, वीडियो नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये है अभी इसका फ़ोटो, तो मैं थोड़ा ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, तो कुछ इस तरह दिख रहा है। तब मैं यहाँ पर प्रेस करते ही ओल्ड ये जो पुराना फ़ोटो है नया फ़ोटो दिखेगा। अब ये है नया फ़ोटो, अब ये है पुराना फ़ोटो, जैसे कि आप डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब भी आप फ़ोटोज़ एडिट करते हैं तो एडोब लाइटरूम यूज़ कीजिए, उसमें बहुत ही अच्छा फ़ोटो एडिटिंग आता है। अब दूसरा जो टिप मैं बताने वाला हूँ, सब सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा टिप है क्या, ये इतना बड़ा राज है क्या, लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब भी आप एक मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो ले रहे हैं तो। तो यहाँ पर जो कैमरा का लेंस है उसे कैमरा से फ़ोटो लेने से पहले आप एक अच्छा कपड़ा से इस तरह क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप क्लीन बिना क्लीन किए फ़ोटो लेते हैं तो उसमें फिंगरप्रिंट का सब झंझट पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पांच टिप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो भूलिए मत, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी
मत भूलिएगा। धन्यवाद।